तो हाँ, तो दोस्तों हाँ जी ना, आपके लिए एक और नई जबरदस्त वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे वर्ल्टेक की तरफ से आने वाले एक बहुत ही जबरदस्त 4 चैनल हाई पावर एम्पलीफायर की। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको इस एम्पलीफायर की सारी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। और देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस 4 चैनल एम्पलीफायर से हमें 4 ओम्स के लोड पर कितने वाट की आरएमएस देखने के लिए मिलती है, और 2 ओम्स के लोड पर हमको इस एम्पलीफायर से कितने वाट की आरएमएस देखने के लिए मिलती है, और ब्रिज मोड पर ये एम्पलीफायर हमें टोटल कितने वाट की आरएमएस देता है। और देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इस 4 चैनल एम्पलीफायर से कितने सबवूफर और कितने स्पीकर चला सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे पास वर्ल्टेक की तरफ से आने वाले 4 चैनल हाई पावर एम्पलीफायर का बॉक्स, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन की, कि क्या कुछ हमको इसकी बॉक्स पे स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। तो सबसे पहले है दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्टेक की हमको यहाँ पर ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं साइड की बात करता हूँ तो साइड में लिखा है 4 चैनल पावर मोसफेट एम्पलीफायर। और अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करता हूँ तो इसका मॉडल नंबर है WT4080 4 चैनल एम्पलीफायर। और दोस्तों, अगर मैं साइड की यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है साइड में रियल जो पावर है वो यहाँ पर 80 वाट पर चैनल हमको देखने के लिए मिलती है। और ये 80 वाट पर चैनल आरएमएस हमको कितने ओम्स पर देखने के लिए मिलती है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यही है दोस्तों बॉक्स पे लिखी गई स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो इधर की तरफ से दोस्तों ये बॉक्स ओपन होता है। तो ये देखिए दोस्तों, बॉक्स को करते हैं हम यहाँ पर ओपन। और बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमको यहाँ पर वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। अभी इसको रखता हूँ साइड में। और ये है दोस्तों इसकी ओनर मैनुअल वगैरह। और अंदर की तरफ दोस्तों हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सभी बॉक्स कंटेंट बाहर निकाल लेता हूँ और फिर आपसे वीडियो में मिलता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो सभी बॉक्स कंटेंट है वो मैंने यहाँ पर बाहर निकाल लिए हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पर बॉक्स के अंदर से 30 एम्पियर के 2 फ्यूज देखने के लिए मिलते हैं। और 4 दोस्तों हमको यहाँ पर इसको एम्पलीफायर को माउंट करने के लिए स्क्रू देखने के लिए मिलते हैं। तो इसको रखता हूँ अभी साइड में। और ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर का वारंटी कार्ड। जिस तरह से हमारे एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं उसी तरह का हमको यहाँ पर एक वारंटी कार्ड देखने के लिए मिलता है। 1 ईयर की दोस्तों इस एम्पलीफायर की वारंटी होती है कंपनी से। इसको रखता हूँ अभी मैं यहाँ पर साइड में। और ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर की ओनर मैनुअल, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। और इसी ओनर मैनुअल के ऊपर हमको इसकी सारी स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। देखिए किस तरह से हमको इसको माउंट वगैरह करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। और देखिए दोस्तों, सीधा ही चलते हैं हम अब इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ, कि क्या कुछ हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वही इसका मॉडल नंबर दिखाया गया है WT4080। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे इसकी आरएमएस पावर की बात करता हूँ कि कितने ओम्स पर ये हमको कितने वाट की आरएमएस देता है, तो सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर मैक्स जो आउटपुट पावर है इसकी 4 ओम्स के लोड पर। तो 4 ओम्स के लोड पर ये एम्पलीफायर हमें 80 वाट की आरएमएस देता है पर चैनल। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ 2 ओम्स के लोड पर, तो ये एम्पलीफायर हमें 2 ओम्स के लोड पर 130 वाट की आरएमएस देता है पर चैनल। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ इस एम्पलीफायर की ब्रिज मोड पर, तो ये एम्पलीफायर हमें ब्रिज मोड पर 4 ओम्स के लोड पर 260 वाट की आरएमएस देता है। और जो इसका TDA है वो है यहाँ पर 0.015%। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स की बात करता हूँ, तो 10 हर्ट से 30 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी हमको देखने के लिए मिल जाती है। और जो इसका सिग्नल टू रेडियोज है वो यहाँ पर हमको 90 dB देखने के लिए मिलता है। अगर मैं आपसे इसकी सेंसिविटी की बात करता हूँ तो 200 MB हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं आपसे रिकमेंड फ्यूज की यहाँ पर बात करता हूँ तो 30 एम्पियर के 2 फ्यूज हमको इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और अगर मैं आपसे इसके इनपुट पावर वोल्टेज की बात करता हूँ तो 12 वोल्ट से ये एम्पलीफायर हमारा ऑपरेट होता है। और नीचे की तरफ दोस्तों इसकी यहाँ पर डायमेंशन दिखाई गई है। तो यही है दोस्तों इस एम्पलीफायर की सारी स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, अभी ओनर मैनुअल को रखता हूँ साइड में और बात करते हैं दोस्तों हम अपने यहाँ पर एम्पलीफायर की। तो ये देखिए दोस्तों, अभी एम्पलीफायर को मैंने पॉलीथीन से बाहर निकाल लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस एम्पलीफायर के कलर की, तो रेड चेरी कलर का दोस्तों ये एम्पलीफायर है। तो चलिए दोस्तों, आप बात करेंगे एम्पलीफायर के फ्रंट की, कि फ्रंट पे हमको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रंट में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पर काफ़ी तगड़ी हीट सिंक देखने के लिए मिल जाती है।
और देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस एम्पलीफायर के बेट की, तो बेट बहुत ज़्यादा है इस एम्पलीफायर के अंदर, जो कि एक अच्छे एम्पलीफायर की निशानी है। और दोस्तों हमको यहाँ पर बीच में सबसे पहले वर्ल्टेक की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर लिखा है B24 और वही इसका मॉडल नंबर दिखाया गया है WT4080, और नीचे की तरफ 4 चैनल पावर एम्पलीफायर की ब्रांडिंग की गई है। तो यही है दोस्तों इस एम्पलीफायर की फ्रंट में स्पेसिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसकी पहली साइड की, पहली साइड में हमको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है इस एम्पलीफायर के स्पीकर, सबवूफर और पावर के कनेक्शन, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पावर के कनेक्शन की, तो काफ़ी हैवी दोस्तों हमको यहाँ पर इसका पावर का टर्मिनल देखने के लिए मिल जाता है। ये है इसकी ग्राउंड वायर, ये है दोस्तों इसकी रिमोट वायर, ये है 12 वोल्ट का कनेक्शन जो हमारी डायरेक्ट बैटरी से अटैच होता है। और दोस्तों 30 एम्पियर के हमको यहाँ पर 2 फ्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये है दोस्तों हमारे सबवूफर और स्पीकर के कनेक्शन, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस एम्पलीफायर पर कितने स्पीकर और कितने सबवूफर चला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस एम्पलीफायर पर एक समय में या तो 4 स्पीकर चला सकते हैं, या फिर एक समय में आप 2 स्पीकर और 1 सबवूफर को चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इस एम्पलीफायर पर कितना लोड दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आप इस एम्पलीफायर पर सिंगल कोयल 300 से 350 वाट RMS का 1 सबवूफर और 6-9 के 2 स्पीकर किसी भी कंपनी के बहुत ही अच्छी आउटपुट में चला सकते हो। बहुत ही अच्छी आउटपुट में आपका सबवूफर चलेगा और बहुत ही अच्छी आवाज़ में आपको यहाँ पर स्पीकर की साउंड देखने के लिए मिलेगी। और देखिए दोस्तों, अगर आपके पास छोटे स्पीकर हैं, अगर आपके पास 4 इंच या फिर 6 इंच के स्पीकर हैं, तो आप इस एम्पलीफायर पर एक समय में 4 स्पीकर और 1 सबवूफर को भी चला सकते हो। सबवूफर आपका वही रहेगा 300 से 350 वाट RMS का सिंगल कोयल, अच्छी आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं साइड में कि साइड में हमको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख भी पा रहे हो, काफ़ी तकड़ी हमको यहाँ पर इसकी हीट सिंक देखने के लिए मिलती है, और इस हीट सिंक के अंदर बेट भी अच्छा खासा है, जो कि एक अच्छे एम्पलीफायर की निशानी है। तो ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर की दूसरी साइड, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं चैनल 1 और 2 की, तो इसके अंदर हमको यहाँ पर एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिल जाता है, जिसको आप HPF या फिर फुल या फिर LPF पर रख सकते हो। और दोस्तों साइड में ही हमको एक और क्रॉसओवर देखने के लिए मिल जाता है, ये है इसका बेस बूस्ट का क्रॉसओवर, जिसको आप 0 dB, 6 dB या फिर 12 dB रख सकते हो। और दोस्तों अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट सेटिंग की, तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर HPF की एक नोब हमको देखने के लिए मिल जाती है, जिसको हम 32 Hz से 2 kHz तक सेट कर सकते हैं। और ये है दोस्तों इसकी LPF की नोब, जिसको आप 32 Hz से 300 Hz तक सेट कर सकते हैं। ये है दोस्तों हमारे चैनल 1 और 2 की यहाँ पर गेन, जिसको आप अपने सबवूफर या फिर स्पीकर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साइड में ही दोस्तों हमको यहाँ पर 4 RCA इनपुट देखने के लिए मिल जाती है, जिनके ऊपर अभी प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है। और ये है हमारी दोस्तों चैनल 3 और 4 की सेटिंग, सेम ही सेटिंग्स दोस्तों हमको यहाँ पर चैनल 3 और 4 के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये है दोस्तों इस एम्पलीफायर की पावर और प्रोटेक्ट की LED, जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हो। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ बैक साइड की, तो बैक साइड में भी हमको काफ़ी सारे होल देखने के लिए मिल जाते हैं, इनसे भी इसका एम्पलीफायर का जो वेंटिलेशन है वो बना रहता है। वारंटी की हमको यहाँ पर सील देखने के लिए मिल जाती है। तो यही है दोस्तों इस एम्पलीफायर की सारी सेटिंग और सारी स्पेसिफिकेशन। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस एम्पलीफायर के खरीदने की। यदि दोस्तों ये एम्पलीफायर आप मुझसे खरीदना चाहते हैं, तो मेरी शॉप का एड्रेस और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और यदि दोस्तों आप कुछ अच्छे 4 चैनल एम्पलीफायर को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो कुछ अच्छे 4 चैनल एम्पलीफायर के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन से भी जाकर उन एम्पलीफायर को खरीद सकते हो। तो दोस्तों आपको ये एम्पलीफायर कैसा लगा है ये आपको कमेंट करके बताना है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें।